दोस्तों नमस्कार, आज बात करेंगे मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप ने एक भविष्यवाणी किया था कि अगर हमें जेल में डालोगे तो जेल से आने के बाद 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। मनीष कश्यप ने जेल से आया, बहुत कम समय हुआ है जेल से आए हुए, और 180 दिन पूरा ही नहीं कि सरकार गिर गया। लगभग लगभग मनीष कश्यप की जो भविष्यवाणी है, जो भी बात बोलता है वह पूरा होता चला जाता है। मनीष कश्यप ने एक बात और बोला था कि इस पुल को संभाल लो, नहीं तो यह पुल गिर जाएगा, और वह पुल भी गिर गया। चलिए, हमारे साथ बैठे हुए हैं पत्रकार है, मीडिया में भी काम करते हैं और वार्ड के सचिव भी है, राजनीति में भी रह चुके हुए हैं, आगे की भी राजनीति करते रहते हैं गाँव में समाज में। तो इनसे हम बात करेंगे कि आज बिहार में सरकार गिर गया और आज मनीष कश्यप का भविष्यवाणी पूरा हुआ, क्या कहना चाहते हैं सरकार गिरने पर? सबसे पहले जो भी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम इंजीनियर रणधीर तिवारी है। देखिए, मनीष कश्यप ने अब तक का जो भी बात बोला है सब सत्य होते आ रहा है। अभी तक मतलब उनको कलयुग का जो राम मान रहा है, कितना लोग उनको मतलब भगवान के तरह उनको मानता है, उनका मूर्ति जगह जगह पे बैठाने का काम लोग बोल रहा है, आश्वासन दे रहा है कि करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि पुल गिरेगा, मतलब उनको जेल जाने से पहले वो जेल में थे, उसी समय पुल गिर गया, ठीक है। दूसरा बोले थे कि जेल से निकलते 180 दिन में सरकार गिरा दे, वो भी तय हो गया। तो अभी तक मतलब साफ साफ दिख रहा है कि मनीष कश्यप जो कलयुग का मतलब एक भगवान है, कि मतलब वो जो भी बोल रहा है ना बिहार का, मतलब बिहार के लिए वो गिरते आ रहा है। तो इसके लिए मनीष कश्यप है, वो मतलब उसको करीबी से जानते हैं, मनीष भैया को, उनके साथ कितना दिन हम बिताए, उनके घर पे भी गए हैं। मनीष कश्यप अब तक जो भी बोल रहे हैं सब सत्य होते आ रहे हैं, और बिहार में अगर कोई बदलाव ला सकता है तो मनीष कश्यप ही है जो बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं राजा बनेगा, गरीब का बेटा को भी हक है राजा बनने का। इसके लिए बदलाव लाने के लिए एक ही विकल्प है, अब गरीब का बेटा होना चाहिए, क्योंकि उसको गरीबी पता है, जमीनी हकीकत क्या है उनको पता है। तेजस्वी यादव ने बोला था कि जब तबीयत खराब होगा तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे, और राम मंदिर का 22 तारीख का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर में श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए, और उसके बाद जस्ट बिहार में जो है हलचल मच गया सरकार गिरने का। तो उधर राम मंदिर का उद्घाटन, इधर बिहार में जिन्होंने बोला था कि तबियत खराब होगा तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे, आज उनकी सरकार गिर गया, क्या कहना चाहते हैं? इसलिए हम लालू परिवार से यही कहना चाहेंगे कि अगर ठीक है मंदिर जरूरत नहीं है तो आप भी मंदिर जाते हैं हर महीने। तेजस्वी यादव के भाई हर महीने मंदिर जाते हैं, श्यामा दरबार में जाते हैं, पूरे परिवार के साथ मुंडन करवाते हैं, तो उनको भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। देखिए, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, ठीक है, वो बिहार के सरकार है, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, भगवान के प्रति उनको दिन पे दिन मतलब घृणा आते जा रहा है। ये भी बोल सकते हैं कि भगवान उनके अंदर मतलब से निकल रहे हैं, उनको घृणा के भावना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये सब भगवान को, जैसे राम मंदिर है, ठीक है, राम मंदिर मतलब करोड़ों लाखों अस्पताल चला सकती है, जैसे हमारे पटना के महावीर मंदिर है, अभी तक मतलब हजारों हजार की संख्या में अस्पताल चल रही है। तो मंदिर से ये भी फायदा होती है कि मंदिर का जो डोनेशन आता है वो मतलब अस्पताल बनाया जा सकता है, उससे स्कूल कॉलेज सभी लोग चीज बनवा सकता है, और अस्पताल ही चालू कर देंगे तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है, उससे यही होता है कि इलाज होता है, गरीबों का इलाज होता है, उससे इनकम नहीं हो, आगे का मतलब विकास के लिए पैसा नहीं आता है। और मंदिर कैसा है ना, बहुत से मतलब अभी पटना का महावीर मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर केसरिया में बनने जा रहा है, वो मंदिर आगे अगर बन के चली जाएगी तो एक से एक अस्पताल खोला जाएगा, एक से एक बड़े बड़े अस्पताल होंगे। जिस बिहार का मंत्री कह रहा है कि मंदिर का विरोध कर रहा है, उसी बिहार में संसार का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, उसी बिहार में। देखिए, जिस बिहार का मंत्री मंदिर का विरोध कर रहा है। देखिए, बिहार में मंत्री लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, मंत्री लोग का मजबूरन है, क्योंकि उनका आका जो है लालू प्रसाद यादव, तो वो विरोध कर रहे हैं। उनके मन में सबसे पहले हमने बताया कि घृणा का भाव आ गया भगवान के प्रति, तो वो विरोध करवा रहे हैं। तो उनके पीछे जो मतलब चाटने वाले चाटुकार लोग हैं, वो अगर विरोध नहीं कराएंगे तो उनको सत्ता से हटा दिया जाएगा। इसके लिए लालू को लोग भगवान मान चुके हैं, उनके मतलब पहलू पे अगर गलत रास्ते पे चले तो वो लोग भी गलत रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि उनको स्वार्थ है। अगर स्वार्थ हटा दिया जाए
तो मतलब आज के ही आज मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। स्वार्थ के पीछे लोग भाग रहे हैं। अगर लालू जी बोल देंगे कि अगर इधर काटा है तो वो बोलेंगे नहीं इधर काटा नहीं है, ऐसा करके ये लोग चलने का काम कर रहे हैं और हमारे बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप का विरोध करने वाला, मनीष कश्यप का भविष्यवाणी सत्य हुआ और मंदिर का विरोध करने वाला जो भी व्यक्ति थे उनका सरकार गिर गया। और जिस बिहार के तेजस्वी यादव जी ने विरोध मंदिर के किए हैं, उसी बिहार में संसार का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है और जो मंदिर के विरोध कर रहे हैं। बिहार में एक महावीर संस्था हॉस्पिटल है जो कैंसर का हॉस्पिटल है, जो मंदिर के पैसा से चल रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। तो मंदिर महत्वपूर्ण जरूरी है। अगर मंदिर रहेगा तो हॉस्पिटल भी रहेगा, अगर मंदिर रहेगा तो लोग बीमार नहीं पड़ेगा, यह सत्य है। तो अपना भारत जो है, अपना बिहार जो है, एक आस्था का केंद्र है। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे, लेकिन हमारे बिहार में, हमारे भारत में मंदिर जरूरी चीज है। इसी मुद्दे पर आज की बात इतना पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।